हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं जगराज जी फ्रॉम बठिंडा, जिनका रिसेंटली स्टडी वीज़ा अप्रूव हुआ है एंड ये अपनी फर्दर बैचलर स्टडी करने फिनलैंड जा रहे हैं। सो जगराज जी से आज शॉर्ट डिस्कशन करेंगे एंड समझेंगे जगराज जी ने एडोफिन को चूज़ कैसे करा, बठिंडा से अमृतसर कैसे आना हुआ एंड कौन सी स्टडी करने जा रहे हैं, कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं एंड इनका जो एक्सपीरियंस रहा एडोफिन के साथ, एक्सपीरियंस कैसा रहा डे वन से लेकर आज वीज़ा तक एंड जब वी एफ एस गए थे फाइल सबमिशन करने के लिए, कुछ डिफिकल्टीज तो नहीं आई इनको? सो जगराज जी, जगराज थैंक यू वेरी मच, आपका ये टीआरसी कार्ड है। सो जैसे आप सबको पता है कि फिनलैंड में टीआरसी कार्ड इवन क्या आता है, तो जगराज जी से समझते हैं। सो जगराज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने बेटा बठिंडा से हमें सर्च किया एंड ट्रस्ट किया डिफरेंट के ऊपर, आपने आज वीज़ा आपके साथ है। सो जगराज स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ये समझेंगे कि पहले तो एडोफिन को कैसे सर्च किया एंड यहाँ कैसे आना हुआ। एक्चुअली सर, मैं 2 साल से एडोफिन को फॉलो कर रहा हूँ फ्रॉम सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब इंस्टाग्राम पर। सो इतनी देर से पता चल जाता है कि कौन सा कंसल्टेंट मेरे लिए बेस्ट रहेगा फॉर फिनलैंड स्टडी वीज़ा। तो ऐसा है कि एडोफिन जो फिनलैंड के लिए सबसे बेस्ट है, इसलिए मैंने एडोफिन को चूज़ किया। ठीक है, तो बेटा जब आपने अप्लाई किया था राइट, तो वैसे 12th में जाना हो तो थोड़ा सा एक उनका पूरा प्रोसेस होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यूज़ होती है, तो वो सारा प्रोसेस आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? एक्चुअली सर, जो फिनलैंड का प्रोसेस है वो दूसरी कंट्रीज से थोड़ा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, फिनलैंड के लिए सबसे पहले हमें एडमिशन लेनी पड़ती है। एडमिशन के भी 3 क्राइटेरिया होते हैं, डायरेक्ट एडमिशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और समटाइम्स हमको इंटरव्यू भी देनी पड़ती है। तो मेरा एडमिशन आ गया था शांता गुंता यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस में एंड इसके बाद मैंने फीस पे की एंड आफ्टर दैट मैंने बीएफएस को विज़िट किया और वहाँ पर शॉर्ट इंटरव्यू दी एंड आफ्टर सम डेज आई गॉट माय टीआरसी कार्ड। यस, सो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं फिनलैंड में जो प्रोफाइल बेस सिलेक्शन करती है, जैसे जगराज का प्रोफाइल बहुत अच्छा प्रोफाइल था एंड इनको सातकुंदा यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट इनकी एडमिशन इनको हो गई थी, तो इनको डायरेक्ट ऑफर लेटर आ गई थी। तो आफ्टर गेटिंग ऑफर लेटर इनका सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ स्टेप बाय स्टेप। सो जगराज, जब आप वीएफएस गए थे तो वीएफएस में जाओगे फाइल सबमिशन हुई थी, तो वहाँ का क्या सिनेरियो था? बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे कैसे आपसे? एक्चुअली सर, मैंने जब मेरी भी थोड़ी डिस्कशन थी ना वीएफएस ऑफिस में, तब मैं भी थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं कि वहाँ पर इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन एज़ फार एज माई थिंकिंग किसान वहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। वो जस्ट आपसे वेरीफाई करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछते हैं, ऐसी कोई डिफिकल्ट इंटरव्यू नहीं होती। आपके कोर्स के बारे में पूछते हैं, आपकी फ़ीस के बारे में पूछते हैं। राइट राइट, सो जगराज कुछ आप रिकमेंड करना चाहते हो जो हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आगे फिनलैंड जाना है, कुछ हमें ड्रीम कंट्री जाने का सोच रहे हैं, यूरोप के अदर पार्ट्स में जाने का सोच रहे हैं, तो आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहते हो? सर, आई वुड लाइक टू रिकमेंड टू एडोफिन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, बिकॉज एडोफिन जो वर्क करता है वो ग्रेट ट्रांसपेरेंसी से करता है, क्योंकि हमें पता होता है हमारी फाइल कहाँ पर किस स्टेज पर चल रही है। अब ये अप्लाई बीएफएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेरा ऑफर लेटर आया कि नहीं आया। तो मेरे हिसाब से एडोफिन जो बेस्ट है फॉर यूरोप स्टडी वीज़ा के लिए। यस, ये ऑब्वियस है कि एडोफिन बिलीव्स इन ट्रांसपेरेंट वर्क, तो जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं एडोफिन के, एडोफिन की जो सर्विसेज लेके फिनलैंड गए हैं या यूरोप के किसी पार्ट में भी गए हैं, उनको भी सब कुछ पता है कि हम जो काम करते हैं बड़ा ट्रांसपेरेंट काम करते हैं। सब स्टूडेंट्स को पता होता है कि आपकी फ़ाइल किस प्रोसेस पे है, किस फेज से गुजर रही है, किस फेज में जा रही है एंड क्या उनका भी प्रोसेस चल रहा है। तो कुछ हम ऐसे कोई हिडन थिंग्स नहीं होती एडोफिन के पास। सो जगराज जी, थैंक यू वेरी मच, वी विश यू वेरी सुपर डुपर सक्सेस हेड इन फिनलैंड। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर सर।